सिटीज़ है उनकी जैसे कैसे लाइफस्टाइल, कैसी ज़िंदगी होती है उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, लेकिन उस उन उनकी हंसी में कितना दुख छुपा होता है, कितने सैक्रिफाइसेस छुपे होते हैं, ये बात शायद कोई नहीं जानता। लोग हाउसवाइफ को अच्छा मतलब घर का काम, मतलब तुम पैसे नहीं कमाती मतलब तुम्हारी कोई औकात नहीं है, अपनी औकात कैसे उसकी समझ कैसे दिलाती है सबको, उसकी स्टोरी है। श्रीवास्तव परिवार में जो नई पीढ़ी आ रही है, जो एक नया अध्याय रच रहा है, बोल रहे कि हम खर्चे नहीं देंगे, हम अपनी फैमिली के लिए बचेंगे, तो आपको भी ऐसा अपने पति को कहेंगे कि आप भी ऐसा कीजिए? नहीं, नहीं कहेंगे कभी नहीं, क्योंकि कौशल्या कहीं कहीं ना कहीं ये बात में तनी मानती। कौशल्या का इसमें मानना ऐसा होगा, देखिए ये कैरेक्टर इतना महान क्यों है कि वो मानती है कि अगर मेरा पति उसकी माँ को अपने खर्चे दे देता है तो मुझे लगता है कि माँ का पहला हक है पति पर, इसलिए वो करता है तो उसको कर दे दो। लेकिन मेरा बेटा और मेरी जब बहू आएगी तब मेरा ये मानना होगा कि अब इस मैंने उसको बड़ा कर दिया, इसकी शादी हो गई है और अब मैं तो मर जाऊंगी, जो ध्यान रखेगी, जो इसका साथ देगी वो इसकी बीवी है, तो इसको अपनी सारी कमाई उसकी बीवी को देनी चाहिए। बात चल रहा चाबी की गुच्छे में, चाबी का गुच्छा किसके पास आएगा, आपके पास आया रिया के पास आया? रिया झगड़ा करेगी, ले मैं लूंगी। अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस शो के लिए? दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि आप भाई आपकी ही स्टोरी है, हम सब की स्टोरी है, देखेगा 5:30 से 6:30 बजे स्टार प्लस पर, 1 आवर डेली है। ये पहली बार इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में हो रहा है कि कभी 1 घंटे का डेली सोप नहीं आया, तो ये एक पहला डेली सोप है ऐसा। आप लोग काफ़ी प्रेशर रहेगा काम करेंगे, 1 घंटे का शो मतलब 40 मिनट रोज़ की हम शूट करते हैं, इसलिए तो 5 कैमरा सेटअप है, करने का बहुत मज़ा आता है, थिएटर वाले दिन याद आ जाते हैं क्योंकि कट नहीं होता। एक साथ 17 पेजेस का सीन हो तो एक साथ सारे वो 17 पेज याद करने पड़ते हैं, एंट्री एग्जिट रिहर्सल्स ऑफ कोर्स बहुत होते हैं, लेकिन